अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। आइए नाजिन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बीआरएस पार्टी के फायर ब्रांड जुबली हिल्स एमएलए मंगती गोमीनाथ अमित शाह पर बरसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमित शाह का जो है परसों के दिन दौरा हुआ था चिवेड़ला में। मंगती गोमीनाथ का कहना है कि क्या अमित शाह की जागीर है, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कैसे निकालते उन्होंने, इस तरह से कहना है मंगती गोमीनाथ का। क्योंकि बीजेपी कर्नाटका से इलेक्शन हारने वाली है, इसलिए तेलंगाना केरला तमिलनाडु में मंडला रही है बीजेपी, इस तरह से कहना है मंगती गोपीनाथ का। तो आइए मंगती गोपीनाथ क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बोल रहा हूं, वो लोग आप पागला है, बीजेपी वाले पागला हैं। अमित शाह का आगे परसों क्या बोला, 4% निकाल लेते हो, उनका जागरे का निकाल लेंगे, हम भी बढ़ते निकाल लेते। अमित शाह का आगे परसों क्या बोला, 4% निकाल लेते हो, फिर दिल्ली गए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या बोलते, उन्होंने कौन है बोलने वाला, हम बोले ही नहीं बोलते। इससे पहले 2-3 बार ऐसी चुआ फिर जाके 4% निकालते, उनका जागरे क्या निकालने को, हम भी बैठते निकाल लेते। हमारे केजरीवाल साहब 12% देते बोले, 12% के लिए लड़ रहे हम लोग, क्या है बोले तो हिंदू मुस्लिम गड़बड़ कराना, फिर 4% निकाल देते बोले तो अब हिंदू मुस्लिम गड़बड़ चलना, लड़ाई झगड़ा दंगा फसा होना, तो वो बेनिफिट लेने के वास्ते देख रहे, मगर अभी हैदराबाद पब्लिक वो सब सोच रहे कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होता, अभी फिर उनका जाने का टाइम हो गया, बीजेपी का काम खत्म हो गया। दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में टोटल पूरा पब्लिक और लेडीज औरता, प्याज दाम बढ़ गया, डीजल दाम बढ़ गया, तरकारी का दाम बढ़ गया, रेशन का दाम बढ़ गया और बिजली का दाम बढ़ गया, पूरे हर एक चीज दाम बढ़ गया पूरे इंडिया में। तो लेडीज पूरा वेट कर रहे हैं भाई, इलेक्शन कब आता है, लोगों को सब कब सबक सिखाएंगे बोल के बहुत गुस्से से पूरे लेडीज। तो ये सब छोड़ के आगे रिजर्वेशन निकालते वो निकालते, अरे पहले तो डेवलप के बात कर, अभी नेक्स्ट मंथ में कर्नाटका में इलेक्शन है, देख लेंगे फिर कर्नाटका में, तुम तो आते भी नहीं, ओपन पब्लिक ही गालियां दे रहे होगा। कर्नाटक में करप्शन, हम इंडिया में नंबर 1 स्टेट बोलते कर्नाटक है करप्शन में। तुम लोग हमारे सीएम साहब जो करे, एक स्कीम नहीं डेवलपमेंट नहीं तुम लोग करो बोलते, आज तक नहीं करो, बात करे कि वो ईडी लाते, सीबीआई लाते, इनकम टैक्स लाते, ये सब डराने के बातें कर रहे हिंदुस्तान में पूरा, मगर अब पूरे लोग रहेंद्र भाई क्या होता, चलो जाएंगे जेल को जाएंगे, 2 दिन रह के आएंगे, वैसा हो गया। एक जमाने में जेल बोलते डरते थे पब्लिक, आज कहीं को नहीं डर रहे बोले तो इनो बोलो ऐसा करे तो पूरे नहीं डर रहे कोई, तो ऐसा चीजें कर रहे। और काश है वस्त्र जो पेन था आदमी पूरे झूठे बात नहीं बोलो, हमारे हिंदूस में और नॉनवेज नहीं खाना, ये सब चीजें करे तो वो काश है वस्त्र पहनना, क्या बोलते मैं एनटीआर रामाराव के साथ हूँ, एनटीआर रामाराव के साथ मैं था। तो ये लोग ऐसा चिल्लर काम करके वो कैसा पहन रहे समझ में आ रहा, जबान खोले तो झूठे बात खास अवसर पहन के झूठे बात बोल रहे, वो बहुत गलत है वो। उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हैदराबाद सिटी अच्छा डेवलप हुआ, नंबर 1 सिटी हो रहा, ये सब तरक्की देख के तेलंगाना गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना, ये प्लान है वो लोग। बोल रहा हमें वो लोग पागला है, बीजेपी वाले पागला है, कार का स्टीयरिंग असर जो ऐसी ऐसा झूठे बात हम बोल रहे हैं। उसके लिए हम लोग आज हमारे पार्टी के लीडरों को वर्करों को बोल रहे हैं, अपन भी सोशल मीडिया में फास्ट रहना, उसको काउंटर देना, उसको काउंटर देना बोलते हम भी वही बोल रहे हैं। लोगों को जवान खोले तो झूठे बात है, एक सच नहीं बोलते। और वो लोग क्या है, मैं 100 बार बोल रहा हूँ, काश आए वस्त्र पहने से वाला झूठे बात नहीं बोल रहा, नॉनवेज नहीं खाना, ये सब चीजें हैं। तुम लोग नॉनवेज खाते झूठे बात बोलते, सब बीजेपी वाले सब जबान खोलते झूठे बात बोलते रहते। इसके लिए हम लोग भी हमारे कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देके इधर का उधर बोलेंगे, इधर के यूथ पब्लिक को उचकाते, हिंदू मुस्लिम बोल के उचका रहे,
हमारे इधर पब्लिक भी सोच रही, हम लोग को सपना को हमारे केटीआर साहब अच्छे अच्छी इंडस्ट्रीज लाए, हमारे को नौकरियां मिल रहे, हमारा आने वाला लीडर केटीआर साहब है, उन्हें इतनी इंडस्ट्रीज लाए, हम बहुत खुशी से हमारे नौकरियां मिल रहे बोल के नौजवान बहुत खुशी से है। चलो कितना भी खराब करो नौजवान कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, हमारी जरूरत ही नहीं है भाई, हमारे बीवी बच्चे है, नौकरियां बहुत है मिल रहे बोल के। ये 9 साल में देखो तो हैदराबाद भी चेंज हो गया, हैदराबाद में जीने का स्टाइल ही चेंज हो गया, है कुछ चेंज हुआ, इतना अच्छा डेवलप करे बोल के चेंज हुआ, टीआरएस पार्टी एक ही डेवलप करो, तो ये देख के क्या कर रहे लोग, ऐसा भी तेलंगाना में कुछ ना कुछ उंगली करना गड़बड़ करना हो, उसके वजह से केटीआर हमारे केसीआर साहब चलो लड़ेंगे कान तलक लड़ेंगे बोल के हमारे केसीआर साहब फील्ड में उतर गए। हम पूरे एमएलएस आउटलेट केसीआर साहब को सपोर्ट करो, कान तलक जाएंगे कौन तलक जाएंगे बोल के हम भी ओपन उतर गए हम लोग पूरे एमएलए से, तो केसीआर को हम लोग भी फुल सपोर्ट करके एक मोदी से लड़ना बोलो तो इंडिया में एक केसीआर ही है, कोई भी नहीं है, डायरेक्ट लड़ने का आदमी एक केसीआर ही है, इसके लिए हम लोग केसीआर को बहुत आप आगे रहना साहब, हम लोग रहते पूरे एमएलए सब में रहते लड़ेंगे साहब, बोलो पूरे झूठे बात हम बोलते, तो झूठे बात हम बोलने के लिए आज हमारे वर्कर हम पूरे थोड़े जो बोल रहे किधर को उधर धन बोल के झूठे बात हम बोलते, स्टीयरिंग है असोदिन वो झूठे बात ही चल, उनका पार्टी अलग है हमारा पार्टी अलग है, उनका सिद्धांत अलग है हमारा सिद्धांत अलग है। अब एलियंस बोल तो अब तुम कहीं को मिले एलियंस, शिवसेना से मिले, टेलीविजन से मिले, पूर्व से एलियंस लगा लिए बीजेपी वाले, तो तुम लोग क्या है, तुम लोगों को क्या बोलना, तुम लोग नहीं करे क्या, बिहार में नीतीश बिहार में एलियंस लगा है, आंध्रा में लगा ली इससे पहले, महाराष्ट्र में लगाए महाराष्ट्र में लगा के उसको निकाल के फेंक दिए शिंदे को लाके लगाए, ऐसे चीज ना करे, मगर हम लोगों का खाली केसीआर साहब डेवलपमेंट और स्कीम्स इसके बारे में बात कर रहे। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी, क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से, तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी, तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा हैदराबाद।